नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। कृषि निदेशक डॉक्टर घनश्याम पांडे ने कहा है कि नीलद्वीप में जैविक कृषि को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक गणना के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों के विभिन्न पदों में भर्ती की जाएगी। 12वीं की परीक्षा के बाद छात्रों को बेहतर कैरियर चुनने के लिए रंगत में परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दीपों की साइक्लिस्ट देबोरा ने केरल में चल रहे राष्ट्रीय खेल में कल 2 नया कीर्तिमान स्थापित किया। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। कृषि निदेशक डॉक्टर घनश्याम पांडे ने कहा है कि नीलद्वीप में जैविक कृषि को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये पूरे द्वीप समूह के लिए आदर्श बन सके। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट के दौरान उन्होंने बताया कि द्वीप समूह की कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति के संरक्षण के लिए जैविक कृषि को अपनाना जरूरी है। डॉक्टर पांडे ने जानकारी दी कि जैविक खाद का उपयोग धान और सब्जियों की खेती के अलावा बागानी फसलों में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हटबे और कैम्बलवे में भी जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार निकोबार द्वीप समूह में ऐसा टापू है जहां बगानी फसलों के साथ साथ सब्जी की खेती में भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। डॉक्टर पांडे ने द्वीप समूह के युवाओं से अपील की कि जिनके पास बागानी फसलों के लिए जमीन उपलब्ध है वे कृषि कार्य अपनाने के लिए आगे आए। द्वीप समूह में कराई गई सामाजिक आर्थिक और जातिगत गणना की मसौदा सूची पिछले वर्ष 1 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी। ये सूची सभी ग्राम पंचायतों और पोर्टगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डों में रखी गई थी ताकि लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें। सांसद विष्णुपद रे और पंचायती राज प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल से दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की तारीख आगे बढ़ाए जाने का सुझाव दिया था। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया गया था। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि गणना से संबंधित सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। संशोधित कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल कराई जा सकती हैं। इन दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 फरवरी को किया जाएगा। 1 मार्च से 8 मार्च तक याचिकाएं स्वीकार की जा सकेंगी। याचिकाओं को 19 मार्च तक निपटाया जाएगा। 21 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।